स्टार्ट हो चुका है क्लास। अभी हम लोग दुर्गाबाड़ी में थोड़ा ब्रेक लिए हैं, 7.5 किलोमीटर। तो गाइस जिसे इसको बोलते हैं कदम का पुल। अभी हम लोग पेट्रोल चेक करेंगे क्योंकि हम लोग बस हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंटर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब कमेंट में जरूर बताना। और ये क्या बोलते हैं, बहुत दिन के बाद में ब्लॉग आ रहा है, कम से कम 10 या 12 दिन के बाद। मैं कंटिन्यू करने का कोशिश करता हूँ पर कुछ काम की वजह से करने नहीं सकता हूँ। और थंबनेल वाले देख के पता चल गया कि आज क्या क्या वीडियो होना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। और यार क्या बोल रहा था मैं कि मैं इतना लेट से वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर भी जो जो वीडियो देखते हैं ना वो लोग को दिल से थैंक यू सो मच। और चलो अभी एक ही बार में बाहर मिलते हैं, सेटअप वेटअप करके साथ हेलमेट वेलमेट में माउंट वाउंट लगा के मिलते हैं आप सबसे बाहर। तो गाइस मैं 1 लीटर तेल लाया था, लेकिन 1 लीटर तेल को मतलब घूमेगा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा दोस्त यहाँ पे डाल दिया था गाड़ी, वो हम बिना पूछे डाल दिया, तो नहीं पता था कितना गया वो पता नहीं। पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग 1/2 लीटर निकालेंगे और जितना बचेगा उसको उसमें डाल देंगे, तो वहाँ पर 1/2 लीटर हो जाएगा। गाइस हम लोग का यहाँ पे पेट्रोल डाल दिए हैं 1/2 लीटर, जो कि दिखाने नहीं सका, जो कि मेरा दोस्त पहले ही डाल दिया था वो गलती से, तो कोई बात नहीं डाल दिया है। गाइस जैसे यहाँ पे मीटर वोटर कुछ नहीं है तो इसके लिए हम लोग मोबाइल का यूज़ करेंगे, यहाँ से किलोमीटर कितना जाता है उसको चेक कर लेंगे। GPS स्पीड मीटर आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, कैसा होता है नहीं पता नहीं। लोकेशन मांग रहे हैं, कुछ तो नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे स्पीड किलोमीटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस हम लोग गाड़ी स्टार्ट हो चुका है फिलहाल पावर में। तो गाइस यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, अभी इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी यहाँ से पता चलेगा हम लोग का। 0 किलोमीटर दिखा रहा है ऊपर से, पकड़ बीच बीच में चेक करेंगे। कौन बैठे जा, कौन बैठे जा, काम है जैसे कि फिलहाल जो लोगों को पता है वीडियो वीडियो देखते हैं वो लोगों को पता होगा। और स्पीड मीटर दिखा दे रहा हूँ देखा, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 30 का स्पीड है, 30 से 31, अभी तक 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। और एक गाय आ रहा है आगे तरफ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं दिख रहा होने से भी हम स्पीड शॉर्ट करके दिखा देगा बात। तो ये बाएं तरफ कबर है और डाइन तरफ मिलने वाला स्कूल दिख रहा होगा। और ये रोड पूरा नया बना है, भी मस्त लग रहा है चलाने के लिए। मतलब 70-80 चलाना मतलब कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसका कंडीशन ही बहुत ही ख़राब है। इसकी वजह से इसका हाई स्पीड मान लो 80-90 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये। ये बहुत पुराना भी गाड़ी है ना। तो गाइस इतना दूर आगे दुर्गाबाड़ी, तो यहाँ से हम लोग रिटर्न ही जाएंगे क्योंकि उधर आगे गाइस दिख रहा है यहाँ पे 31 का स्पीड और 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर मान लो। और ये क्या बोलता है 67 मतलब हाईएस्ट स्पीड था, क्योंकि उतना तक जाने में ही इसका हैंडल इतना काँप रहा था और मतलब उससे ज़्यादा चलाता तो कंट्रोल करने में मुश्किल होता। इसको अगर चलाना है तो चल जाएगा शायद 80-90 तक, लेकिन उतना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो गाइस अभी हम लोग दुर्गाबाड़ी में थोड़ा ब्रेक लिए हैं, 7.5 किलोमीटर कम्प्लीट हुआ, अब देखते हैं कितना दूर जाता है। मेरे आइडिया से 20 तक जाएगा शायद, क्योंकि गाड़ी का जो कंडीशन है उसके अनुसार हमको लगता है। अब जाता है नहीं जाता है पता नहीं। अब बहुत दिन के बाद पहली बार मैं थोड़ा ड्राइव करने निकला हूँ, तो फिलहाल
क्या बोलेगा, थोड़ा सिनेमेटिक शॉट ले लेता हूँ यहाँ का, तो यहाँ का मजा ले लो। लाइन जो इतना सामने से जाता है ना, मत बोलो इसलिए भाई रोड में तो मोबाइल मत चलाना। मैं चला रहा हूँ फिलहाल, फिर भी बोल रहा हूँ आप लोग को पारुल से आ गया मेरा बाइक के सामने मेरा दोस्त। तो गाइस जिसे इसको बोलते हैं कदम का पुल, कदम का पुल बोलते हैं, जो कि दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, देख लो। देखो 7.5 किलोमीटर हो गया है, अभी ब्रेक लिया है, उसके बाद अभी और फिर से जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे कुछ बोलना मतलब ना बोलना ही ठीक है, क्योंकि वो सुनाई नहीं देगा, तो फिर चलो चलते हैं। ठीक है अभी हम लोग पेट्रोल चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग पास यहाँ से तो दिखेगा नहीं। जितना तुम अमीर है अपना खत्म है। कितना किलोमीटर हुआ? तो गाइस हम लोग का ये गाड़ी मैक्सिमम हाफ टाइम 12:30 तो कितना 24-25 किलोमीटर रहता है 1 लीटर तेल में फिलहाल, हमको भी आज ही पता चला। तो अभी हम लोग एक्स्ट्रा तेल लाए तो उसको डालेंगे ये वाला, जो कि हाफ लीटर, जो कि घर जाने के लिए होगा। तो हमको पता चल गया कि ये कितना माइलेज देता है, 25 किलोमीटर देता है होगा, देता है। मैं सोचा था कि मैक्सिमम 20 किलोमीटर देगा शायद हाफ किलोमीटर में, लेकिन उतना नहीं दिया, 12 किलोमीटर दिया, 12.5 किलोमीटर, 12-12 24 हो गया, 25 किलोमीटर मान लो ये गाड़ी 25 किलोमीटर देता है। और क्या बताया, मतलब जो टेस्ट करने आया था वो कर लिया, और अभी हो गया, अभी हम लोग घर जाएंगे, अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, जितना बनाना था बना लिया, और फिलहाल अभी हम लोग घर जाएंगे। और गैस ये गाड़ी में हम मोटो ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करता है, कहे कि ये गाड़ी का आवाज़ बहुत ज़्यादा है और माइक में बहुत नॉइस आता है, मेरा आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देता है। ये गाड़ी मतलब बहुत पुराना गाड़ी है, हम ये गाड़ी कुछ ऐसे ही स्टंट करने के लिए लिया था, लेकिन स्टैंड स्टैंड करने से भी इसमें खर्चा बहुत जाता है। गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, हम लोग का आज पता चल गया इसका माइलेज कितना देता है, तो मतलब मतलब 25 किलोमीटर दिया, मतलब ये गाड़ी मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत पुराना है, तो इसी के कारण से मतलब, लेकिन कोई कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, इसका 25 है। और ये क्या बोल रहे हैं, तो वीडियो कैसा लगा नहीं लगा ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अभी हम लोग घर जाएंगे, और क्या कुछ बोलना तो नहीं है, और इधर देख सकते हैं टी गार्डन और इधर व्यू शायद, तो हम लोग को जल्दी घर जाना पड़ेगा। और ये रास्ता का हालत देख, गाड़ियाँ ख़राब कर रहे हैं, मतलब ये नया बनने वाला है, इसी का मरम्मत हो रहा है, इसी के कारण से ऐसा है। गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, समझ आ गई? तो ठीक है, हैंडसम लग रहा है लेकिन अभी ठीक है, मिलते हैं, बाय।